हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हमारे पॉन्स को। जो हमारा पॉन्स होता है वो आपके हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है। तो हाइंड ब्रेन के तीन मोस्टली स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक होता है आपका पॉन्स, दूसरा होता है आपका मेडुला ओब्लॉन्गाटा और तीसरा होता है आपका सेरेबेलम, ठीक है। तो ये आपके हाइंड ब्रेन के तीन मोस्टली इम्पोर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पॉन्स एक मेडुला ओब्लॉन्गाटा, अगर आप इसमें मिड ब्रेन को ऐड करोगे, अगर आप इसको मिड ब्रेन में ऐड करोगे तो ये कहलाता है आपका ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जो आपका ब्रेन स्टेम है तीन स्ट्रक्चर से बना है, पहला मिड ब्रेन, दूसरा पॉन्स और तीसरा मेडुला ओब्लॉन्गाटा। मेडुला ओब्लॉन्गाटा का कंटिन्यूशन आता आपकी स्पाइनल कॉर्ड के साथ, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम का पहला मिड ब्रेन वाला पार्ट हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। आज हम लोग पॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आपका जो हाइंड ब्रेन वाला दूसरा रिमेनिंग पार्ट होगा मेडुला ओब्लॉन्गाटा एंड सेरेब्रम हम लोग फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पॉन्स के लेक्चर्स को। देखो, पॉन्स का जो लैटिन वर्ड है, ये इसका मीनिंग अगर आप देखोगे, इसका लिटरल मीनिंग होता है ब्रिज, ठीक है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एज अ ब्रिज काम कर रहा है। तो कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके बीच में ये काम कर रहा है। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपको इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द फीचर्स ऑफ पॉन्स और एक्सटर्नल फीचर्स और इंटरनल फीचर्स ऑफ पॉन्स, तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी चीजें मेंशन करनी है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पर ध्यान में रखते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हम लोग पॉन्स को एग्जाम में लिखते हैं तो उसमें अगर डिटेल में डिस्कशन अगर आता है इसका, तो पहले आपको इसका ग्रॉस अपीयरेंस लिखना पड़ेगा। दूसरी चीज, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। इंटरनल स्ट्रक्चर इसका हम लोग दो पार्ट्स में देखते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन लेके। दो लेवल ऐसे है जहां पे अपर पॉन्स में हम लोग यहाँ पर ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, दूसरा ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोग लेते हैं लोअर साइड पर। तो कौन से ऐसे पार्ट्स है जहां पे हमें सेक्शन लेना है, और जब सेक्शन लेते हैं हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन, तो उसके बाद में कैसे स्ट्रक्चर हम लोगों को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं, हम लोग यहाँ पे डायग्राम में से भी ये समझने वाले हैं, ठीक है। तो ग्रॉस अपीयरेंस में अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपका पॉन्स जो होता है इट इज प्रेजेंट एंटीरियर टू द सेरेबेलम। मतलब जो आपका पॉन्स है आपके सेरेबेलम, मतलब मान लो ये आपका सेरेबेलम है तो आपका पॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो बेसिकली आपका जो पॉन्स है सेरेबेलम के एंटीरियर साइड पर प्रेजेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, इट्स कनेक्ट्स द मिड ब्रेन टू द मेडुला ओब्लॉन्गाटा। मतलब अपर साइड पे आपका मिड ब्रेन है, ठीक है, ये आपका पॉन्स बना, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये जो है मेडुला ओब्लॉन्गाटा। इसका मतलब है कि जो मेडुला ओब्लॉन्गाटा है ये आपका मिड ब्रेन और आपके मेडुला ओब्लॉन्गाटा को भी कनेक्ट कर रहा है। दूसरी चीज क्या है, ये आपके सेरेबेलम के एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है। और जो सेरेबेलम के दो यहाँ पर हेमिस्फेयर होते हैं, लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फेयर और राइट सेरेबेलर हेमिस्फेयर, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है। एक डायग्राम से इसको समझते हैं कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है। जब आप इसका एंटीरियर सरफेस पढ़ते हो ना, तो आपको कुछ चीजों का यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये जो आपका पॉन्स है, ठीक है, ये जो आपका पॉन्स है, ये पॉन्स का एंटीरियर सरफेस है एक्चुअली, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे फर्दर स्लाइड्स में। तो बेसिकली यहाँ पे आपका होता है सेरेबेलम, ठीक है। जब आप पोस्टीरियर साइड देखते हो पॉन्स की, तो वहां पे आपको सेरेबेलम मिलता है, और सेरेबेलम के बीच में ये जो आपका पॉन्स स्ट्रक्चर होता है, मतलब यहाँ पे आपका होगा एक लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फीयर, यहाँ पे होगा आपका राइट सेरेबेलर हेमिस्फीयर, और ये दोनों सेरेबेलर हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका पॉन्स होता है। और ये दो सेरेबेलर हेमिस्फीयर कनेक्ट करने का काम, मतलब इसमें ब्रिज का काम जो होता है वो पॉन्स कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग ब्रिज कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आया, मतलब यहाँ पे जो आपके दो सेरेबेलर हेमिस्फीयर है उसमें कनेक्शन का ये काम कर रहा है, इसीलिए ये ब्रिज कहलाता है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस आपका क्या आएगा यहाँ पे, पहला सेंटेंस आएगा कि आपका जो पॉन्स है एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है सेरेबेलम के, और ये दो पार्ट्स को कनेक्ट करता है आपके ब्रेन स्टेम के। ऊपर वाला पार्ट मिड ब्रेन का होता है, नीचे साइड पे अगर ये देखेंगे हम लोग मिड ब्रेन को कनेक्ट कर रहे हैं। लेंथ की जब बात आती है इसकी, इसकी लेंथ होती है 1 इंच, 1 इंच मतलब आपका 2.5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है, ठीक है। ये जो डायग्राम दी गई थी यहाँ पे, पॉन्स को आप यहाँ पर एसेस कर सकते हो, ये आपका मिड ब्रेन है, ठीक है, दिस इज योर मिड ब्रेन, और ये आपका मेडुला ओब्लॉन्गाटा है। और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है,
लेंथ अगर देखेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक इसकी, दिस इज अ 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि 1 इंच। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ, इसकी लेंथ 1 इंच होती है एंड इट फॉर्म्स द ब्रिज बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट सेरेबेलम हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ग्रॉस एपिडर्मिस में हम लोगों को यहाँ पे तीन चीजों का ध्यान में रखना है। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या आता है, आपका जो लोकेशन है आपके पॉन्स का वो कहाँ पे है, मिडब्रेन और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के बीच में। दूसरी चीज आपके सेरेबेलम के एंटीरियर साइड में। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है आपकी, इसकी लेंथ होती है इसकी 1 इंच यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, और आपका जो लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फीयर और राइट सेरेबेलर हेमिस्फीयर है, इन दोनों के बीच में एज अ ब्रिज करके आपका पॉन्स काम करता है। अब बात करते हैं इसके सर्फेसेस की। जब सर्फेसेस की बात होती है, इसमें दो सर्फेसेस मेनली हमको देखने हैं। पहला है आपका एंटीरियर सर्फेस, दूसरा आपका पोस्टीरियर सर्फेस। जब एंटीरियर सर्फेस हम लोग देखते हैं तो उसमें कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। पहला है कि यहाँ पे एंटीरियर सर्फेस जो होता है उसमें आपको स्ट्राइएशन नजर आएंगे, मतलब जैसे कि आपको मसल फाइबर्स देखते हो तो मसल के फाइबर जैसे देखते हो वैसे ट्रांसवर्स फाइबर्स हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज होती है ये कॉन्वेक्स होता है, दोनों साइड पे अगर देखेंगे तो वो कॉन्वेक्स होता है। तीसरी चीज इम्पोर्टेंट यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे ग्रो प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग बेजिलर ग्रो कहते हैं, और ये बेजिलर ग्रो में आपको मिलती है आपकी बेजिलर आर्टरी। ठीक है, कुछ नव के एंडिंग या फिर कुछ नव के पार्ट्स हम लोगों को यहाँ पे दिखते हैं। जैसे हमने एक ऑलरेडी चीज पढ़ी थी कि जो आपका मेडुला ऑब्लॉन्गेटा है उसमें लास्ट के 4 क्रैनियल नर्व्स आते हैं, जो उसके बाद वाला पार्ट मतलब आपका पॉन्स का पार्ट होता है, पॉन्स के पार्ट में आपको मिलते हैं आगे के 4 आपके क्रैनियल नर्व, और उसके बीच में मिड ब्रेन पे आपके आते हैं दूसरे क्रैनियल नर्व 4। ठीक है, तो ये क्रैनियल नर्व का पैटर्न हम लोगों को ध्यान में रखना है। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा पे आपको लास्ट के 4 क्रैनियल नर्व मिलेंगे, और पॉन्स के एरिया पे आपको उसके जस्ट पहले वाले 4 मिलेंगे आपको, 5, 6, 7, 8 ये 4 क्रैनियल नर्व आपके पॉन्स के रिलेटेड मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपके सब एंटीरियर सरफेस पे मिलने वाली। तो डिटेल में देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो इट इज अ कॉन्वेक्स फ्रॉम साइड टू साइड एंड शोज ट्रांसवर्स फाइबर्स दैट कन्वर्ज ऑन ईच साइड टू फॉर्म द मिडल सेरेबेलर पेडंकल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप एंटीरियर सरफेस देखते हो हमारे पॉन्स का, तो यहाँ पे आपको ये स्ट्राइएशन नजर आती है या फिर ट्रांसवर्स फाइबर्स नजर आते हैं। ठीक है, ये ट्रांसवर्स फाइबर्स के साथ साथ ये कॉन्वेक्स होता है, मतलब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, ये कॉन्वेक्सिटी से यहाँ पर प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज क्या है, जो ट्रांसवर्स फाइबर्स है ये आपके सेरेबेलम का एक पार्ट बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं मिडल सेरेबेलर पेडंकल। सेरेबेलर पेडंकल 3 तरह के होते हैं, एक सुपीरियर होता है, मिडल होता है, एक इंफीरियर होता है, उसको हम लोग आगे के स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे इतना ध्यान में रखो कि जो आपके एंटीरियर साइड पे एंटीरियर सरफेस पे ट्रांसवर्स फाइबर्स है ये आपका पार्ट कौन सा बना रहा है, मिडल सेरेबेलर पेडंकल। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे देर इज अ शालो ग्रो इन द मिड लाइन नोन एज द बेसिलर ग्रो विच लॉजेस द बेसिलर आर्टरी। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो कि यहाँ पे आपको मिडल साइड पे ये जो ग्रो दिख रहा है दिस इज अ बेसिलर ग्रो, और बेसिलर ग्रो में आपको क्या मिलेगा, आपकी बेसिलर आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिलर ग्रो प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आपकी बेसिलर आर्टरी प्रेजेंट होगी। ये तीसरा पॉइंट हुआ। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, द ट्राइजिनल नर्व इमर्जेस ऑन ईच साइड ऑफ द एंटीरियर लैटरल सरफेस। तो यहाँ पे ये जो येलो कलर से शो किया गया है ये है आपका ट्राइजिनल नर्व का सेंसरी पार्ट। ठीक है, यहाँ पर भी मिलेगा आपको और यहाँ पर भी मिलेगा। तो ट्राइजिनल नर्व का सेंसरी पार्ट आपको मिलता है कौन से सरफेस पे, एंटेरो लैटरल पार्ट, एंटीरियर सरफेस पे लेकिन लैटरल साइड पे मिलता है। तो ये लार्जेस्ट पार्ट होता है सेंसरी पार्ट में। अगर ट्राइजिनल नर्व को हम लोग डिटेल में देखेंगे तो इसका सेंसरी और मोटार पार्ट होता है। ठीक है, सेंसरी एंड मोटार पार्ट जो यहाँ पे आपको दिख रहा है लार्जेस्ट पार्ट विच इज द सेंसरी पार्ट, मोटार पार्ट थोड़ा छोटा होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है मोटार पार्ट भी लेकिन वो यहाँ पे हाइड किया है। ठीक है, तो जो आपको शो हो रहा है दिस इज द सेंसरी पार्ट। एंड दूसरी चीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपके कुछ और भी नर्व्स के फाइबर्स, जैसे कि आपका है एब्डुसेंस नर्व विच इज अ 6 नर्व, उसके बाद में आपकी आती है फेशियल नर्व विच इज अ 7 एंड वेस्टिबुलो कॉक्लियर विच इज अ 8 क्रैनियल नर्व। ठीक है, तो ये जो पैटर्न होता है 6, 7 एंड 8 विच प्रेजेंट मीडियल टू द लैटरल साइड। ठीक है, तो मेडियल से लैटरल अगर आप जाओगे तो आपको 3 नर्व नजर आते हैं, पहले एब्डुसेंस, दूसरी फेशियल एंड तीसरी वेस्टिबुलो कॉक्लियर। ठीक है, तो ये है आपके एब्डुसेंस, दिस इज योर फेशियल एंड दिस इज योर वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व।
ठीक है। तो ये आपके एंटीरियर सरफेस पे चार पांच स्ट्रक्चर है जो हमें याद में रखने, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर, पहला चीज क्या पढ़ा हमने एंटीरियर सरफेस के बारे में, एंटीरियर सरफेस आपका कॉन्वेक्स होता है दोनों साइड के, इसपे ट्रांसवर्स फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसवर्स फाइबर्स आपका बार्ड बनाते हैं, मिडल सेरेब्रम पेडंकल। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी यहाँ पे ग्रू प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग बेसिलर ग्रू कहते हैं, जिसमें आपकी बेसिलर आर्टरी मौजूद होती है। चौथी चीज हमने पढ़ी थी कि यहाँ पे कुछ नर्व के एंडिंग या फिर नर्व के फाइबर्स हम लोगों को देखेंगे। एंटेरोलैटरल सरफेस पे मिलती है आपके ट्राइजेमिनल नर्व का फाइबर जो कि दोनों साइड पे प्रेजेंट होगा। दूसरी चीज आपको कुछ और नर्व्स मिलते हैं 6, 7 and 8 क्रैनियल नर्व विच इज एब्डक्सर फेशियल एंड वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, ठीक है। और इसका पैटर्न कैसे होता है मेडियल टू लैटरल, ठीक है, मेडियल टू लैटरल। ये आपके कुछ एंटीरियर सरफेस के फीचर्स हुए। अब देखते हैं पोस्टीरियर सरफेस को। अब जब आपको पोस्टीरियर सरफेस पढ़ना होता है ना तो आपको सेरेबेलम का पार्ट हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो पोस्टीरियर सरफेस होता है आपके पॉन्स का वहां पे आपको फोर्थ वेंट्रिकल भी मिलने वाला है। दूसरी चीज, जो फोर्थ वेंट्रिकल भी आपके सेरेबेलम से हाइड किया गया, तो जब भी आपको सेरेबेलम हटाओगे तब आपको ये पॉन्स का पोस्टीरियर पार्ट मिलेगा। जब आप सेरेबेलम को हटाओगे आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है विच इज अ रोम्बॉइड शेप पार्ट। ये जो रोम्बॉइड शेप पार्ट होता है ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल है। फोर्थ वेंट्रिकल की जो कैविटी होती है वो यहाँ पे समझेंगे हम लोग। देखो ये आपका पूरा मिड ब्रेन वाला पार्ट है जो ब्रेन स्टेम बना रहा है, पॉन्स है, ये मेडुला है, ठीक है। इन तीनों से आपका मिड ब्रेन का सॉरी आपका ये आपका ब्रेन स्टेम बना रहा है, ठीक है। इन तीनों के बीच में आपको ये एक्विडक्ट मिलते हैं जिसे हम लोग एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस कहते हैं, और यहाँ पे आपका सीएसएफ फ्लो होता है। दिस पार्ट इज नोन एज अ फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये फोर्थ वेंट्रिकल का पार्ट ये कहाँ प्रेजेंट है आपकी सेरेबेलम के एंटीरियर साइड पे। दूसरी चीज आपका पॉन्स जो होता है इसके पोस्टीरियरली यहाँ पर ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट है। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका पॉन्स है ये पॉन्स क्या कर रहा है आपकी फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर बनाता है। पॉन्स का पोस्टीरियर साइड, पॉन्स का एंटीरियर साइड नहीं है, पॉन्स का पोस्टीरियर साइड आपकी फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर बनाता है। लेकिन वो कुछ हद तक यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये पॉन्स का जो फोर्थ वेंट्रिकल का पार्ट है, ठीक है, मान लो यहाँ पर ये आपका हाफ पार्ट बना, यहाँ पर आपका ये मेडुला का पार्ट बनता है, ठीक है। तो ये टोटल आपका ये फोर्थ वेंट्रिकल का पार्ट है। तो पॉन्स से आपका ऑलमोस्ट हाफ फ्लोर बनता है आपके फोर्थ वेंट्रिकल का, ठीक है। तो और हाफ बनता है आपके मेडुला ऑब्लॉन्गेटा से, तो ऑलमोस्ट हाफ पार्ट बनाता है आपके फोर्थ वेंट्रिकल का, ये आपका पॉन्स का पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इट इज ए हिडन बाय द सेरेबेलम, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इट इज ए हिडन बाय द सेरेबेलम। पहला पॉइंट क्या लिखा है आपको, सेरेबेलम से हिडन किया गया। इट फॉर्म्स अपर हाफ ऑफ द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, फ्लोर बनाता है आपके फोर्थ वेंट्रिकल का ऑलमोस्ट अपर हाफ। इट डिवाइड्स इनटू सिमेट्रिकल हाफ बाय द मीडियन सल्कस। यहाँ पे ये जो डायग्राम है, यहाँ पे जैसे कि हमने एंटीरियर साइड पे ग्रो देखी थी, कौन सी ग्रो, बेसिलर ग्रो, सेम उसी तरह पे यहाँ पे एक सल्कस प्रेजेंट होता है। मतलब आप सेंटर में देखोगे यहाँ पर ये एक सल्कस है, ठीक है। ये जो सल्कस होता है जिसे हम लोग मीडियन सल्कस कहते हैं। मीडियन सल्कस के और लैटरली जब जाओगे आप तो यहाँ पे लैटरल साइड पे भी आपको एक सल्कस मिलती है जिसे हम लोग सल्कस लिमिटस कहते हैं, ठीक है, सल्कस लिमिटस कहते हैं। और इन दोनों के बीच में ये जो पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं मीडियल इमिनस, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग इसको, मीडियल इमिनस, ठीक है। तो ये मीडियल इमिनस जो होता है यहाँ पर आपको एक एलिवेटेड पार्ट भी मिलता है, ठीक है। ये जो एलिवेटेड पार्ट है यहाँ पर भी दिखा है, दोनों साइड पे ये प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग फेशियल फॉलिकुलस कहते हैं। और जब भी आप ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हो आपके पॉन्स का तो ये लेवल पे, मतलब आपके लोअर पॉन्स में जब आप सेक्शन लेते हो ट्रांसवर्स सेक्शन, तो इस लेवल पे लिया जाता है, दैट इज अ फेशियल फॉलिकुलस को। उसके हम लोग यहाँ पे आगे के स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली पोस्टीरियर साइड पे आपको क्या क्या देखना है, पहला विच इज हिडन बाय द सेरेबेलम, इट फॉर्म्स अपर हाफ ऑफ द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, इट डिवाइड सिमेट्रिकल हाफ बाय द मीडियल सल्कस, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साइड पे ये अगर डिवाइड किया गया तो किससे किया गया, ये आपकी मीडियन सल्कस से, ठीक है। मीडियन सल्कस के जस्ट लैटरली अगर देखोगे, लैटर टू दिस सल्कस एट एलिवेटेड एलिवेशन इज प्रेजेंट विच इज नोन एज ए मीडियन इमिनस विच इज लैटरली बाउंडेड बाय अ सल्कस विच इज अ सल्कस लिमिटस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ये मीडियन सल्कस है
उसका लैटरल पार्ट जो होता है इट इज इलॉन्गेटेड पार्ट, ठीक है, इलॉन्गेटेड होता है और ये एक सल्कस से बाउंड होता है जिसे हम लोग सल्कस लिमिटेंस कहते हैं, ठीक है, और इन दोनों के बीच वाला जो पार्ट होता है जिसे हम लोग मीडियल लिमिटेंस कहते हैं, ठीक है। और इसके बारे में एक चीज और है कि द इन्फीरियर एंड ऑफ द मीडियल लिमिटेंस इज स्लाइटली एक्सपांडेड टू फॉर्म द फेशियल पॉलिकल्स, मतलब जो आपका इन्फीरियर साइड होता है आपके मीडियल लिमिटेंस का जो थोड़ा एलोंगेटेड पार्ट है वहां पर एक आपको एक्सपांशन नजर आता है जिसे हम लोग कहते हैं फेशियल पॉलिकुलस। और जो ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो मैंने जैसे बताया कि वो आपके आपके फेशियल पॉलिकुलस के लेवल पे लिया जाता है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द रूट ऑफ फेशियल नर्व वाइंडिंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एब्डक्शन नर्व। अब ये जो मीडियल इमिनेंस वाले के उसके लैटरल साइड वाला पार्ट है जो आपका फेशियल पॉलिकुलस बना रहा है वो कैसे बनता है उसको हम लोग आगे के स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले। वो बनता है आपकी यहाँ पे फेशियल नर्व के रूट से, ठीक है, विच इज राउंडिंग और वाइंडिंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एब्डक्शन नर्व। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपका एब्डक्शन नर्व का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और यहाँ पे होता है आपके फेशियल नर्व का न्यूक्लियस जहां से ये टर्न बनता है जिसे हम लोग इंटरनल जेन्यू कहते हैं, ठीक है, डायग्राम में आगे कंटिन्यू करने वाले हम लोग इसको। तो ये आपका जो इंटरनल जेन्यू या फिर एक टर्न होता है और ये जो फाइबर्स आपके फेशियल नर्व के आते हैं और यहाँ पे न्यूक्लियस में टर्मिनेट करते हैं, तो ये जो पार्ट यहाँ पर टर्निंग पॉइंट होता है इससे आपका एक एलिवेटेड पॉइंट बनता है जिसे हम लोग फेशियल फॉलिकुलस कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो फेशियल फॉलिकुलस बनता है वो क्यों बनता है, आपके फेशियल नर्व के यहाँ पे जो टर्निंग फाइबर्स है उसकी वजह से ये आपका फेशियल फॉलिकुलस बनता है, ठीक है। लैटरल टू द सल्कस लिमिटेंस इट्स द एरिया वेस्टिबुली, तो जो लैटरल पार्ट होता है आपकी मीडियल लिमिटेंस का, ठीक है, यहाँ पे जो आपका सल्कस लिमिटेंस देखा था हमने इसके जो लैटरल वाला पार्ट है ये आपका एरिया वेस्टिबुली कहलाता है, ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग इसको, एरिया वेस्टिबुली और वेस्टिबुलर एरिया, ठीक है। तो ये आपका पोस्टीरियर सर्फेस हुआ, तो पोस्टीरियर सर्फेस में क्या क्या याद रखना है आपको, जो पॉन्स है आपका पॉन्स अपर साइड बनाता है आपके फोर्थ वेंट्रिकल का, ठीक है, वो उसका भी फ्लोर बनाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे मीडियन सल्कस प्रेजेंट होता है, एक मीडियन इमिनेंस प्रेजेंट होता है, फेशियल फॉलिकुलस एक प्रेजेंट होता है और आपका वेस्टिबुलर एरिया एक प्रेजेंट होता है। इतने स्ट्रक्चर आपको पोस्टीरियर साइड पे इस पे याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज है कि आपको जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हो तो उसमें आपको क्या क्या देखना है कि इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोग दो पार्ट्स में देखते हैं, ठीक है, दो ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोग लेते हैं। पहला जो ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं हम लोग लोअर साइड पे लेते हैं हम लोग यहाँ पर आपके फेशियल फॉलिकुलस के लेवल पे, ठीक है, फेशियल फॉलिकुलस के लेवल पे, ठीक है, और दूसरा अपर वाला लेते हैं हम लोग सेक्शन, ठीक है, अपर पार्ट लेते हैं वो होता है आपका ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस के लेवल पे, ठीक है, ट्राइजेमिनल न्यूक्लिया के लेवल पे इसका अपर हाफ या फिर अपर ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोग पॉन्स का पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉन्स को। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोगों को क्या क्या देखना है, इट इज कॉमनली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, वन इज अ स्मॉल पोस्टीरियर पार्ट, जो स्मॉल पोस्टीरियर पार्ट होता है उसे हम लोग टेगमेंटम कहते हैं, एंड अनदर वन इज अ लार्ज एंटीरियर पार्ट, मतलब आपका एंटीरियर पार्ट लार्जेस्ट पार्ट होगा तो विच इज अ बेजिलर पार्ट बाय ट्रांसवर्स रनिंग फाइबर्स ऑफ द ट्रापेजॉइड बॉडी। तो ट्रापेजॉइड बॉडी क्या है, ये ट्रांसवर्स फाइबर्स किसके होते हैं, जनरली जो ट्रापेजॉइड बॉडी होता है वो आपके कॉक्लियर फाइबर से बनता है, कॉक्लियर नर्व के फाइबर्स उसके साथ साथ आपके ट्रापेजॉइड बॉडी के भी फाइबर्स, ठीक है, ट्रापेजॉइड बॉडी के फाइबर्स इन दोनों को मिला के आपके ट्रापेजॉइड बॉडी बनती है और ये ट्रापेजॉइड बॉडी के जो फाइबर्स होते हैं वो ट्रांसवर्सली प्रेस होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखते हो तो दो पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। पहला एंटीरियर पार्ट होगा विच इज अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द पॉन्स एंड विच इज अ नोन एज अ बेजिलर पार्ट। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है स्मॉलेस्ट पार्ट होता है या फिर स्मॉलर पार्ट होता है जिसे हम लोग टेगमेंटम कहते हैं, ठीक है, या फिर टेगमेंटल पार्ट कहते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉन्स में स्टडीड एट द टू लेवल्स, मतलब जो ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोग लेते हैं दो लेवल्स पे लेते हैं, जैसे पहले मैंने बताया कि पहला लेवल होता है आपका फेशियल फॉलिकुलस पे, ठीक है, और दूसरा जो लेवल होता है आपकी न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व,
ठीक है, तो ट्राइजेमिनल नर्व के दो मेन न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एक चीफ या फिर प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लिया होता है, और इसके मेडियल साइड पे आपको मिलता है मोटर न्यूक्लियस, ठीक है, मोटर न्यूक्लियस। तो इन दोनों से हम लोग यहाँ पर एक ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, जिससे हम लोग यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले बेसिलर पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिलर पार्ट आपका एंटीरियर पार्ट होता है, इसमें क्या क्या आपको पढ़ेंगे हम, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, इट इज कंपोज्ड ऑफ द लॉन्जिट्यूडिनल बंडल ऑफ फाइबर विच इज अ कॉर्टिको पॉन्टेन, कॉर्टिको न्यूक्लियर एंड कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बंडल्स ऑफ फाइबर्स मिलेंगे एंटीरियर साइड पे। दूसरा होता है ट्रांसवर्स फाइबर्स आपको मिलेंगे। तीसरा पार्ट यहाँ पे आता है द पॉन्टेन न्यूक्लियर आर द स्कैटर्ड अमंग द लॉन्जिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स फाइबर, ठीक है। ये तीन स्ट्रक्चर आपको बेसिलर पार्ट में मिले हैं। जो आपका टेगमेंटल पार्ट होता है, जैसे पोस्टीरियर पार्ट, वहां पे क्या क्या मिल रहा है, इट इज कंपोज्ड ऑफ द फाइबर्स एंड न्यूक्लियर। तो दोनों स्ट्रक्चर आपको मिलने वाले हैं, फाइबर्स एंड न्यूक्लियर आपके पोस्टीरियर पार्ट में। तो दूसरी चीज क्या क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक पोस्टीरियर साइड पे मिलेंगे, विच कंटेन द डिकजेशन ऑफ द ट्रांसवर्सली रनिंग फाइबर्स विच इज द ट्रॉपेजॉइड बॉडी, ये भी आपको टेगमेंटल पार्ट में मिलेगा। दूसरी चीज यहाँ पे मिले, इट ऑल्सो कंटेन्स द न्यूक्लियर ऑफ द ट्राइजेमिनल एब्डोसेंट एंड फेशियल विद वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, ठीक है। तो ये चारों नर्व के जो आपके न्यूक्लियर है वो भी आपको पोस्टीरियर साइड, मतलब आपके टेगमेंटल साइड पे देखने को मिलने वाले, ठीक है। तो पहला ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोग देखते हैं आपके लोअर साइड पे, विच इज अ फेशियल कॉलिकुलस की लेवल पे, ठीक है। तो द ट्रैपेजॉइड बॉडी विच इज मेड अप ऑफ द फाइबर्स विच डेराइव फ्रॉम द कॉक्लियर न्यूक्लियस, जैसे कि मैंने बताया कि जो ट्रैपेजॉइड बॉडी होती है वो आपकी कॉक्लियर न्यूक्लियस से बनती है एंड न्यूक्लियर ऑफ द ट्रैपेजॉइड बॉडी इटसेल्फ। तो जो फाइबर्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं आपके ट्रैपेजॉइड बॉडी में, वो आपके कॉक्लियर न्यूक्लियस से आते हैं, और दूसरी आपकी ट्रैपेजॉइड बॉडी के खुद के न्यूक्लियस से भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसवर्स सेक्शन दिया है, ये आपकी कौन सी लेवल पे है, आपके फेशियल कॉलिकुलस की लेवल पे, ठीक है। तो ये आपका एंटीरियर पार्ट है, यानी कि आपका बेसिलर पार्ट, ठीक है। तो एंटीरियर पार्ट पे आपको क्या मिलता है, पहला ये जो ग्रू है, दिस इज अ बेसिलर ग्रू, ठीक है। ये क्या है आपका बेसिलर ग्रू है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर ऐसे बना, कॉन्वेक्सिटी ऑफ द एंटीरियर सर्फेस, हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि आपका कौन सा एंटीरियर सर्फेस कहता है, कैसा है, कॉन्वेक्स है फ्रॉम साइड टू साइड। तो इसका मतलब जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हो एट द लेवल ऑफ फेशियल कॉलिकुलस, वहां पे आपको मिला है ये आपका बेसिलर ग्रू बनता है, और यहाँ पे आपकी ये कॉन्वेक्सिटी बनी। जब एंटीरियर सर्फेस में आप दो पार्ट में यहाँ पर इसको डिवाइड करते हो, ये है आपका बेसिलर पार्ट, आपका बेसिलर पार्ट, और ये है आपका टेगमेंटल पार्ट, ये है आपका टेगमेंटल पार्ट, ठीक है। इसका मतलब है कि जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहे हो, तो उसमें आपको एंटीरियर पार्ट मिलेगा और पोस्टीरियर पार्ट मिलेगा, एंटीरियर पार्ट भी जैसे बेसिलर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट भी जैसे टेगमेंटल पार्ट। तो ऐसे एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में आपको क्या क्या स्ट्रक्चर यहाँ पे ध्यान में रखने हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहे हो आपकी फेशियल कॉलिकुलस के लेवल पे, ठीक है, जो ट्रैपेजॉइड बॉडी होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो ट्रैपेजॉइड बॉडी है, ट्रैपेजॉइड बॉडी मतलब क्या, यहाँ पे आपको क्रिस क्रॉस फाइबर्स मिलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आपके क्रिस क्रॉस फाइबर्स होते हैं, और क्रिस क्रॉस फाइबर्स किसके हैं, ये है आपके कॉक्लियर न्यूक्लियर के, और दूसरा है आपके ट्रैपेजॉइड बॉडी के खुद के न्यूक्लियस, ठीक है। और जब आप पॉन्स पढ़ते हो, तो पॉन्स में आपको डिसेंडिंग ट्रैक के कुछ न्यूक्लियस मिलेंगे। ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया है, दिस इज अ लॉन्जिट्यूडिनल बंडल, क्योंकि ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है। जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहे हो, तो जो लॉन्जिट्यूडिनल फाइबर्स है, तो ऑब्वियसली आपको एक सेंटर्ड मिलेंगे या फिर सर्कुलर मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रैक है, जो हमने मिडब्रेन के स्ट्रक्चर में देखा था, जैसे कि क्रस सेरेब्रे से कुछ फाइबर्स निकल के आ रहे हैं आपके पॉन्स में जा रहे, और पॉन्स से कुछ मेडुला में जा रहे, तो जो भी पिरामिडल ट्रैक के फाइबर्स है जो आपकी डिसेंडिंग ट्रैक में आ रहे हैं, वो आपके लॉन्जिट्यूडिनल फाइबर्स होते हैं या फिर उसके बंडल्स होते हैं। जब पॉन्स में आते हैं, तो आप ट्रांसवर्स सेक्शन में इसको यहाँ पर मल्टीपल स्मॉल बंडल्स में आप देखते हो, ठीक है। तो ये क्या हुए, आपके लॉन्जिट्यूडिनल फाइबर्स हुए। अब ये लॉन्जिट्यूडिनल फाइबर्स यहाँ पे अगर देखोगे, तो पॉन्स के एंटीरियर साइड पे दूसरे फाइबर्स मिलते हैं आपको ट्रांसवर्स फाइबर्स,
ठीक है। तो ट्रांसवर्स फाइबर्स और आपके लॉन्जिट्यूडिनल फाइबर्स, इन दोनों के बीच में आपको ये जो ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं पॉन्टाइन न्यूक्लिया। और जो पॉन्टाइन न्यूक्लिया होते हैं, वहां पे आपके जो कॉर्टिको पॉन्टाइन फाइबर्स होते हैं वो आके टर्मिनेट होते हैं, मतलब जो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स से फाइबर निकल के आते हैं आपके पॉन्स तक, तो ये पॉन्टाइन न्यूक्लिया में आके टर्मिनेट होते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आपके जो एंटीरियर सरफेस या फिर बेसिलर सरफेस है, बेसिलर पार्ट है आपकी ट्रांसवर्स सेक्शन का, जो कि आपने फेशियल कॉलिकुलस के लेवल पे लिया है, उसमें बेसिलर पार्ट में आपको तीन चार स्ट्रक्चर नजर आते हैं। पहला है आपके लॉन्जिट्यूडिनल फाइबर्स, दूसरा है आपके ट्रांसवर्स फाइबर्स, और तीसरा है आपके पॉन्टाइन न्यूक्लियर। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं वो आपके पॉन्टाइन न्यूक्लियर। ठीक है, दे रन ट्रांसवर्सली इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द टेगमेंटम। तो ये आपके एंटीरियर पार्ट ऑफ द टेगमेंटम है जो आपका ट्रापेजॉइड बॉडी से शो किया है। ठीक है, द मीडियल लैमिनिस्कस रोटेट्स एज इट पासेस द मेडुला इनटू द पॉन्स। जो आपका टेगमेंटम वाला पार्ट है उसमें मीडियल लैमिनिस्कस होता है, और मीडियल लैमिनिस्कस के जो फाइबर्स होते हैं आपकी मेडुला से ऊपर आते हैं। जब मेडुला से ऊपर आते हैं तो उस समय पे वो लॉन्जिट्यूडिनल, लेकिन जब ये पॉन्स में आते हैं ये क्रॉस हो जाते हैं या फिर रोटेट्स हो जाते हैं, एंड इट पासेस द मेडुला इनटू द स्पॉन्स। जब ये पास होते हैं मेडुला से पॉन्स तक ये क्रॉस हो जाते हैं, और ये आपका बनाते हैं मीडियल लैमिनिस्कस जो कि ट्रांसवर्सली प्लेस्ड है। ठीक है, ये आपके फाइबर्स जो होते हैं मीडियल लैमिनिस्कस के, ये ट्रांसवर्सली प्लेस्ड होते हैं। जस्ट मीडियल टू द मीडियल लैमिनिस्कस यहाँ पर आपका होता है स्पाइनल लैमिनिस्कस। इट इज सिचुएटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द टेगमेंटम विद इट्स लॉन्ग एक्सिस रनिंग ट्रांसवर्सली। मतलब जो भी आपका मीडियल लैमिनिस्कस है ये ट्रांसवर्सली प्लेस्ड होता है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, द फेशियल न्यूक्लियस लाइज पोस्टीरियर टू द लैटरल पार्ट ऑफ द मीडियल लैमिनिस्कस। द फाइबर्स ऑफ द फेशियल नर्व अंडरगो द लूप कोर्स विच इज कॉल्ड द इंटरनल जर्नी ऑफ द फेशियल नर्व विच अराउंड द न्यूक्लियर अब्डक्शन नर्व प्रोड्यूसिंग द फेशियल फॉलिकुलस। ठीक है, यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें आपको ये जो नजर आ रहा है दिस इज अ एब्डक्शन नर्व न्यूक्लियर। ठीक है, तो ये एब्डक्शन न्यूक्लियस होता है और ये आपकी फेशियल नर्व का न्यूक्लियर। तो फेशियल नर्व के जो भी फाइबर्स यहाँ से आ रहे हैं और ये एक यहाँ पर ऐसा कर्व बनाते हैं या फिर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं इंटरनल जर्नी, और यहाँ पे आपके ये टर्मिनेट होते हैं। तो ये जो पार्ट होता है जिससे आपका यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट बनता है जिसे हम लोग फेशियल फॉलिकुलस कहते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट किस वजह से बना, यहाँ पे जो आपके फेशियल नर्व के फाइबर्स है जो कि टर्न कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पर ये फेशियल फॉलिकुलस बनता है। ठीक है, और यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है आपके फेशियल नर्व का न्यूक्लियस, और किसके बीच इन दोनों ये जो टर्निंग पॉइंट है इसके बीच में एक प्रेजेंट होता है आपका एब्डक्शन न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, ये जो टर्न पॉइंट हमने पढ़ा इसे हम लोग कहते हैं न्यूरोबायोटैक्सिस। ठीक है, ये जो प्रोसीजर होती है टर्निंग की इसे हम लोग न्यूरोबायोटैक्सिस कहते हैं। द वेस्टिबुलर न्यूक्लियस विच इज सिचुएटेड लैटरल टू द एब्डक्शन न्यूक्लियस एंड इज इन क्लोज रिलेशनशिप टू द इंफीरियर सेरेब्रलर पेडिकल। ठीक है, यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया है कि ये जो यहाँ पर लार्जेस्ट पार्ट दिखाया है दिस इज योर इन्फीरियर सेरेब्रलर पेडिकल, और जो इन्फीरियर सेरेब्रलर पेडिकल होता है उसके जस्ट मीडियली, और जो आपका एब्डक्शन नर्व होता है या फिर एब्डक्शन न्यूक्लियस उसके लैटरली आपको क्या मिल रहा है, आपका कॉक्लियर पार्ट। ठीक है, सॉरी वेस्टिबुलर पार्ट, और वेस्टिबुलर पार्ट के जस्ट साइड में आपको मिलता है आपका कॉक्लियर पार्ट। तो ये जो कॉक्लियर पार्ट होता है और ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियस होता है ये एक्चुअली प्रेजेंट होता है आपके एब्डक्शन नर्व के साइड्स में। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका प्रेजेंट होता है इन्फीरियर सेरेब्रलर पेडंकल। इन्फीरियर सेरेब्रलर पेडंकल के दोनों साइड पे आपको कॉक्लियर नर्व के न्यूक्लियर यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये न्यूरोबायोटैक्सिस के बाद में हमने पॉइंट्स पढ़ा, द वेस्टिबुलर न्यूक्लियर विच इज सिचुएटेड लैटरल टू द एब्डक्शन न्यूक्लियस। ठीक है, द पोस्टीरियर एंड एंटीरियर न्यूक्लियर आर फाउंड आल्सो एट दिस लेवल। जो हमारे कॉक्लियर नर्व के पोस्टीरियर एंटीरियर न्यूक्लियर जो कि हमने इन्फीरियर सेरेब्रलर पेडिकल के दोनों साइड पे देखे थे, मतलब यहाँ पे भी एक न्यूक्लियर प्रेजेंट है कॉक्लियर नर्व का, और यहाँ पर एक जो पोस्टीरियर न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है ये आपके इन्फीरियर सेरेब्रलर पेडिकल के दोनों साइड पे, इन्फीरियर और सुपीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है,
द स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व एंड इट्स ट्रैक्स लाइज ऑन द एंटेरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ द इन्फीरियर सेरेब्रलर पेडंकल। ठीक है, तो जो भी आपके स्पाइनल न्यूक्लियस होते हैं आपके ट्राइजेमिनल नर्व के, जो कि यहाँ पर शो किए गए हैं, ठीक है, ये आपका स्पाइनल लेमिनेसियस का पार्ट है, और इसके बाजू में आपका स्पाइनल नर्व का न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो ट्राइजेमिनल नर्व का यहाँ पे स्पाइनल न्यूक्लियस होता है। अब इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है, द मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल लेमिनेसियस, मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल लेमिनस वेसिकुलस इज सिचुएटेड बीनीथ द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल ऑन द ईच साइड ऑफ द मिडलाइन। ये स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जब आप इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हो तो जो मिडल साइड का पार्ट है, ठीक है, मिडल साइड का पार्ट है ये आपका मीडियल वेसिकुलस है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे जो ट्रैक्ट आती है, दिस इज अ टेक्टल पार्ट एंड ये रुब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट का पार्ट है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आपका जो मिड लाइन है, ठीक है, मिड लाइन के दोनों साइड पे आपको मिलने वाला है ये पार्ट, टेक्टम वाला भी और आपका रुब्रोस्पाइनल वाला। ठीक है, अब और दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा प्रेजेंट होता है, द बेजिलर पार्ट ऑफ द पॉन्स, द बेजिलर पार्ट ऑफ द पॉन्स विच कंटेन द स्मॉल मसल्स ऑफ द नर्व सेल कॉल्ड द पॉन्टाइन न्यूक्लियर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, द पार्टोको पॉन्टाइन फाइबर्स टर्मिनेट्स इन द पॉन्टाइन न्यूक्लियर, ये भी पॉइंट हमने डिस्कस किया, दिस सेल्स गिव द ओरिजिन टू द ट्रांसवर्स फाइबर्स ऑफ द पॉन्स विच क्रॉस द मिड लाइन एंड द इंटरसेक्ट इन द कॉर्टिकोस्पाइनल एंड कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक ब्रेकिंग देम इनटू द स्मॉल बंडल्स। ठीक है, तो जो हमने लॉन्जिट्यूडनल फाइबर्स देखे जो कि स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर में यहाँ पर प्रेजेंट थे, ठीक है, ये आपके लॉन्जिट्यूडनल फाइबर्स के न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके डिफरेंट ट्रैक से आ रहे, जिसमें आपका कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक भी इंक्लूड होता है। ठीक है, जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हो अपर पॉन्स से तो आपको क्या क्या स्ट्रक्चर दिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जो बेसिलर पार्ट में डिस्कस किए थे वो ऑलरेडी जैसे कि हमने लोअर साइड पे देखे थे, सेम उस तरह से यहाँ पे लो अपर साइड में भी आपको मिलने वाले। ठीक है, मतलब अपर पॉन्स में भी आपको क्या क्या मिलने वाला है, ये आपके लॉन्जिट्यूडनल फाइबर्स, दूसरी जो आपके ट्रांसवर्स फाइबर्स थे, और तीसरी चीज जो स्पॉन्टाइन न्यूक्लियर थे इन दोनों के बीच में, वो भी आपको यहाँ पर भी मिलने वाला है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जो आपके पॉन्टाइन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, पॉन्टाइन फाइबर से जो भी हमारे पॉन्टाइन न्यूक्लियस से जो भी फाइबर्स निकलते हैं वो लेफ्ट साइड से राइट में जाते हैं और राइट साइड के न्यूक्लियस से फिर लेफ्ट में आते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये क्रिस क्रॉस फाइबर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जब ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं हम लोग अपर पॉन्स में, तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रैनियल पार्ट ऑफ द पॉन्स इज सिमिलर टू सीन एट द कॉर्डल लेवल बट इट नाउ कंटेन द मोटर एंड प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग सेक्शन लेते हैं तो पहले हमने जो सेक्शन लिया था लोअर साइड पे वो फेशियल कॉलिकुलस के लेवल पे लिया था। ठीक है, फेशियल कॉलिकुलस के लेवल पे लिया था, यहाँ पे जो सेक्शन लिया हमने वो हमारी जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है उसके सेंसरी और मोटर न्यूक्लिया के बेसिस पे लिया। अब जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है ना उसका स्ट्रक्चर एक बार थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं, मतलब आपको जो सेक्शन है वो क्लियरली समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक सेंसरी न्यूक्लिया प्रेजेंट होता है आपके ट्राइजेमिनल नर्व का, जिसे हम लोग कहते हैं चीप सेंसरी न्यूक्लियस। ठीक है, चीप सेंसरी न्यूक्लियस। अपर साइड पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं मेसेंसिफेलिक न्यूक्लियस, मेसेंसिफेलिक न्यूक्लियस। ठीक है, लोअर साइड पे आपका प्रेजेंट होता है स्पाइनल न्यूक्लियस, जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट होता है आपके ट्राइजेमिनल नर्व के न्यूक्लिया का। ठीक है, ये जो पार्ट है ये आपका स्पाइनल न्यूक्लियस है, स्पाइनल न्यूक्लियस। ठीक है, तो ट्राइजेमिनल नर्व के तीन न्यूक्लिया हमने यहाँ पर समझे, टोटली चार न्यूक्लिया प्रेजेंट होते हैं। पहला है आपका अपर साइड पे जो प्रेजेंट है विच इज द मेसेंसिफेलिक, जो बीच साइड मतलब सेंटर पे प्रेजेंट होता है विच इज द चीफ सेंसरी न्यूक्लियस, और या फिर इसे हम लोग प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। और लोअर साइड पे आता है आपका स्पाइनल न्यूक्लियस, जो आपके मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में एक्सटेंड करता है। और आपका जो चीप सेंसरी न्यूक्लियस है उसके जस्ट मीडियल साइड पे आपको मिलता है आपका मोटर न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो पार्ट है ये आपका मोटर न्यूक्लियस वाला पार्ट है। ठीक है, तो चार न्यूक्लियस आपके ट्राइजेमिनल नर्व के यहाँ पे समझे, चीप सेंसरी न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट इन द मिड लाइन, दूसरा है मोटर न्यूक्लियस उसके मीडियल साइड पे प्रेजेंट होता है, अपर साइड पे मेसेंसिफेलिक है, लोअर साइड पे आपका स्पाइनल न्यूक्लियस होता है। तो जो हम लोग सेक्शन लेते हैं ना उसमें हम लोगों को यहाँ पे सेक्शन लेना है, जब आप पॉन्स पढ़ते हो। ठीक है, तो ये आपका जो
स्पाइनल वाला पार्ट होता है ये आपके लोअर पॉन्स में होता है, और दूसरी चीज आपका यहाँ पे जो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा का पार्ट होता है वहां पर ये एक्सटेंड करता है। लेकिन जब सेक्शन हम लोग ले रहे हैं तो उसमें जब लोअर साइड पे सेक्शन लेते हो तो स्पाइनल न्यूक्लियस का भी कुछ पार्ट हमें मिलता है ट्राइजेमिनल नर्व का। लेकिन जब आप अपर सेक्शन लेते हो या फिर अपर पार्ट्स में कौन सा सेक्शन देखते हो तो उसमें आपको स्पाइनल न्यूक्लियस नहीं मिलता, आपको मिलते सिर्फ दो न्यूक्लियस जो कि आपका मोटर न्यूक्लियस है और आपका चीफ सेंसरी न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये जो चीफ सेंसरी और आपका मोटर न्यूक्लियस है ये डायग्राम में कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके टेगमेंटल पार्ट में। ठीक है, तो ये आपका टेगमेंटल पार्ट है, ये आपका बेसिलर पार्ट है। ठीक है, जो हमने फोर्थ वेंट्रिकल देखा था लोअर साइड पे ये आपको ओपन मिलता है, और यहाँ पर अगर देखेंगे ये आपके फ्लोर है, फोर्थ वेंट्रिकल का टोटल फ्लोर है और ये आपको क्लोज्ड मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों साइड पे यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, लोअर साइड पे जब ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहे हो तो फोर्थ वेंट्रिकल ओपन है। ठीक है, अपर साइड पे जब सेक्शन लेते हो तो ये फोर्थ वेंट्रिकल यहाँ पर क्लोज होता है विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर मेडुलरी वेलम। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इससे आपका फोर्थ वेंट्रिकल ऊपर साइड में क्लोज हुआ और ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर। लेकिन जब आप लोअर साइड पे इसका ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहे हो उस समय पे आपको फोर्थ वेंट्रिकल का पार्ट बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड मिलता है, और यहाँ पे जब अपर साइड पे सेक्शन लेते हो तो फोर्थ वेंट्रिकल का पार्ट नैरो मिलता है। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी पढ़े थे यहाँ पे ये है आपके ट्राइजिमिनल नर्व का चीफ सेंसरी न्यूक्लियस, इसके मेडियल साइड पे आपको मिलता है मोटर न्यूक्लियस जो कि आपकी ट्राइजिमिनल नर्व का है, और ये यहाँ से जो फाइबर्स निकल के है आ रहे हैं ये हमारे ट्राइजिमिनल नर्व के फाइबर्स। ठीक है, तो वही चीजें हम लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी है। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रैनियल पार्ट ऑफ द पॉन्स विच इज सिमिलर टू सीन एट द कॉर्डल लेवल बट इट नाउ कंटेन्स द मोटर एंड प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजिमिनल नर्व, मतलब जो आपका टेगमेंटल वाला पार्ट है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है लेकिन कुछ स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे डिफरेंट है। ये जो दो स्ट्रक्चर है आपको लोअर साइड पे नहीं मिलेंगे, मतलब आपका चीफ सेंसरी न्यूक्लियस और आपका जो मोटर न्यूक्लियस है ट्राइजिमिनल नर्व का, ये आपके लोअर साइड पे नहीं मिलता है। दिस न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजिमिनल नर्व आर सिचुएटेड बिनीथ द लैटरल पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, मतलब ये जो आपका फोर्थ वेंट्रिकल वाला पार्ट है ठीक है इसके जस्ट लैटरली आपको ये दोनों स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, बराबर इसके जस्ट लैटरली आपको ये दोनों स्ट्रक्चर मिलते हैं। जब हमने लोअर साइड में या फिर लोअर सेक्शन देखा था अपने फेशियल फॉलिकुलर्स के लेवल पे वहां पे आपको सुपीरियर सेरेबुलर पेडंकल भी नहीं मिल रहा था। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे आपको मिडल सेरेबुलर पेडंकल मिलने वाला है। ठीक है, मिडल सेरेबुलर पेडंकल वहां पे क्या था, वहां पे इन्फीरियर सेरेबुलर पेडंकल था, बराबर। दिस न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजिमिनल नर्व सिचुएटेड बिनीथ द लैटरल पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, द सुपीरियर सेरेबुलर पेडंकल विच इज सिचुएटेड पोस्टर लैटरल टू द न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजिमिनल नर्व। ठीक है, तो सुपीरियर सेरेबुलर पेडंकल वो कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे जो आपका ट्राइजिमिनल नर्व का न्यूक्लियस है उसके जस्ट पोस्टेरियर लैटरल है। ठीक है, ये है आपका सुपीरियर सेरेबुलर पेडंकल। दूसरी चीज क्या है, द ट्रापेजॉइड बॉडी एंड द मीडियल लेमिनिस्कस आर सिचुएटेड इन द सेम पोजीशन एज दे वेयर इन द प्रीवियस सेक्शन। जैसे कि हमने यहाँ पे जो ट्रापेजॉइड बॉडी देखी थी लोअर साइड में आपको ज्यादा एक्सटेंडेड ट्रापेजॉइड बॉडी मिलती है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल साइज ट्रापेजॉइड बॉडी प्रेजेंट होती है, और उसके जस्ट बाजू में हमने देखा था कि यहाँ पे आपका मीडियल लेमिनिस्कस प्रेजेंट होता है जो आपके मेडुला ऑब्लॉन्गेटा से फाइबर्स आके क्रॉस हो रहे और ये ट्रांसवर्सली प्रेस्ड है। ठीक है, उसके जस्ट साइड में आपको और एक लेमिनिस्कस मिलता है विच इज अ ट्राइजिमिनल लेमिनिस्कस, उसके और लैटरली अगर जाओगे आप तो स्पाइनल लेमिनिस्कस मिलता है, और लैटरली जाओगे तो आपका लैटरल लेमिनिस्कस मिलता है। लेकिन ये तीनों लेमिनिस्का है, मतलब ट्राइजिमिनल, स्पाइनल और लैटरल लेमिनिस्का आपके लोअर साइड पे एब्सेंट है। ठीक है, ये अपर साइड पे मतलब आपके जो मोटर न्यूक्लियस और फेशियल न्यूक्लियस, सॉरी मोटर और आपका चीफ सेंसरी न्यूक्लियस है उसी के ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, द लैटरल एंड स्पाइनल लेमिनिस्का लाइज एट द एक्सटर्नल लैटरल एक्सट्रीमिटी ऑफ द मीडियल लेमिनिस्कस, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लैटरल लेमिनिस्कस को डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये लेमिनिस्कस का पार्ट यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन हुआ आपके अपर साइड पे, मतलब कौन से लेवल पे, आपके चीफ सेंसरी न्यूक्लियस और मोटर न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजिमिनल नर्व के न्यूक्लियस पे।
तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे पॉन्ड्स को डिस्कस किया। पॉन्ड्स को हमने पहले देखा कि उसका ग्रॉस अपीयरेंस क्या होता है, उसके बाद में हमने उसका पढ़ा कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर हमने या फिर दो पार्ट्स हमने देखे, जिसमें हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया एट द लेवल ऑफ फेशियल फॉलिकुलस, और फेशियल फॉलिकुलस के लेवल पे हमने कुछ चीजें पढ़ी जो कि बेसिलर पार्ट और ट्राइजमिनल सॉरी टेगमेंटल पार्ट में प्रेजेंट होती है। दूसरा सेक्शन हमने लिया आपकी जो ट्राइजमिनल नर्व के दो न्यूक्लिया प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एक तो चीप सेंसरी न्यूक्लियस और आपका दूसरा मोटर न्यूक्लियस। इन लेवल पे जब हम लोग सेक्शन लेते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें दिखने वाले हैं आपके बेसिलर पार्ट में और आपके टेगमेंटल पार्ट में, मतलब दोनों जब पार्ट हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफर सेक्शन जब लेते हैं तो ऑलमोस्ट बेसिलर पार्ट सेम है, जो चेंज होता है आपकी सिर्फ टेगमेंटल पार्ट में चेंज है, क्योंकि आपकी जो ट्रापेजॉइड बॉडी है लोअर साइड पे थोड़ी ज्यादा बड़ी है, अपर साइड पे थोड़ी कम है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे जो आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वो लोअर साइड पे प्रेजेंट नहीं है। कौन से? मोटर न्यूक्लियस और आपका चीप सेंसर न्यूक्लियस, जो लोअर साइड के ट्रांसफर सेक्शन में नहीं है अवेलेबल। ठीक है, तीसरी चीज हमने देखी थी कि जो आपका ऊपर वाला मतलब अपर साइड पे जब आप सेक्शन लेते हो पॉन्स का, उसमें एक चीज प्रेजेंट होती है जो आपका इन्फीरियर सेरेब्रम पेडंकल है, वो यहाँ पे अब्सेंट होता है। यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो मिडल वाला प्रेजेंट होता है और आपका सुपीरियर सेरेब्रम पेडंकल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंस है आपको दोनों सेक्शन में याद रखने जब आपको पॉन्स पढ़ना है या फिर लिखना है, तो ये दोनों सेक्शन को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पॉन्स का डिस्कशन खत्म हुआ, आगे के लेक्चर में हम लोग मेडल ऑफ लर्निंग को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।